जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 131 में। हाजा साद रफीक और इमरान खान एक दूसरे के मध्य मुकाबल खड़े हैं। वोटर सुबह से ही यहाँ पर अपनी वोट कास्ट कर रहे हैं। लोग जोक तर दौर अपने घरों से बाहर निकले। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि वो लोग जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि वक्त थोड़ा सा रह गया, घंटों में रह गया, थोड़ा सा वक्त रह गया, उनको चाहिए वो जल्दी जल्दी घरों से बाहर निकलें, अपना जो वोट है वो ज़रूर कास्ट करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि यहाँ मेरे पीछे बहुत सारी खवातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगी कि उन्होंने 2018 का वोट किसे कास्ट किया है। बताइएगा जी, हाजा साद रफीक को आपने वोट कास्ट किया है या इमरान खान को? डेफिनेटली साद रफीक को किया है, और बिकॉज जो हमारे भाई हैं उनकी हमें पूरी, उन्हीं को हमने सपोर्ट करना है। और साद रफीक पहले भी इस हल्के से जीते रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम लोग साद रफीक के साथ हैं और मलिक फारूक अनवर के साथ हैं। जी बिल्कुल, जहाँ सपोर्टर्स PTI को वोट डाले वहीं वो नून लीग को डाल रहे हैं। मेरे साथ एक शेरी और भी मौजूद है। मैम आप बताइएगा, इमरान खान को वोट कास्ट के वाकई तब्दीली लाना चाह रही हैं या इमरान हाजा साद रफीक को वोट कास्ट करेंगी? जी मैंने अपने बेटे के पीछे वोट डाला ख्वाजा साद रफीक को, और जहाँ मेरा बेटा मलिक फारूक है मैं वोट वहीं कास्ट करूँगी, और इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है वहीं कास्ट करूँगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जब तक जिंदगी है नून लीग को वोट कास्ट करूँगी। आप बताएं आपने किसे दिए? मैंने साद रफीक को। जी बिल्कुल, इमरान खान साहब आपको ये सोचना चाहिए कि कुछ लोग आपके भी हमायती हैं, कुछ लोग आपको भी वोट दे रहे हैं, कुछ हाजा साद रफीक साहब को भी दे रहे हैं। आप बताइएगा आपने भी वोट कास्ट किए और किसको दिए? मैंने ख्वाजा साहब को वोट दिए, क्योंकि इस वक्त हमारा मुल्क इस सिचुएशन में नहीं है कि हम नए बंदे के हाथ में अपना मुल्क पकड़ा दें, इसलिए हम लोग शेर के साथ हैं, शेर। जी बिल्कुल, खवातीन का जोश और जज्बा वाकई ही काबिले दीदे। उनका यही कहना है कि जो एक नया बंदा आएगा उसको सिस्टम समझने में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। वो इंसान जो तकरीबन काफ़ी अरसे से मुल्क की भाग दौड़ संभाल रहे हैं, हम लोग उसे ही वोट कास्ट करेंगे, और जब तक हमारी ज़िंदगी है हम लोग नून लीग को ही वोट कास्ट करेंगे। जी